नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पूर्णिया में हुआ दर्दनाक हादसा, पानी भरे गड्ढे में गिरी स्कॉर्पियो, 9 लोगों की मौके पर हुई मौत। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में नगर वन योजना का केंद्रीय राज्य मंत्री ने किया शुभारंभ, कहा स्वच्छ पर्यावरण के बीच सांस ले सकेंगे लोग। पूरे राज्य में उत्साह के साथ राजद कार्यकर्ताओं ने मनाया जेडी सुप्रीमो का 75वां जन्मदिन, केक काटकर दीर्घायु होने की कामना। केंद्र सरकार के 8 वर्ष पूरा होने पर भाजपा की ओर से सेवा सुशासन एवं गरीब कल्याण सभा को लेकर हुई बैठक, तैयारी पर की चर्चा। और एबीपी की ओर से 6 दिवसीय व्यक्तित्व विकास शिविर का हुआ शुभारंभ। अब खबरें विस्तार से। पूर्णिया में हुए भीषण हादसे में एक स्कॉर्पियो पानी से भरे गड्ढे में गिर गई, जिसमें 9 लोगों की मौत मौके पर हो गई, जबकि 2 लोगों को गड्ढे से जिंदा बाहर निकाल लिया गया है। दरअसल घटना पूर्णिया बासी अनुमंडल अंतर्गत अनगढ़ ओपी के कंजिया मिडिल स्कूल के पास की है। वहीं घटना को लेकर बायसी के SDM कुमारी तौसी ने बताया कि ये सभी लोग रिश्ता करके खपड़ा ताराबाड़ी से अपने गाँव किशनगंज जिला अंतर्गत नूनिया गाँव जा रहे थे, तभी अचानक स्कॉर्पियो गड्ढे में गिर गई। SDM ने बताया कि अब तक 8 लोगों का शव बरामद कर लिया गया है, जबकि 2 लोगों को जिंदा बाहर निकाला गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि पुलिस और राहत बचाव टीम मौके पर मौजूद है और सभी शवों को एम्बुलेंस से पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि तीखा मोड़ होने के कारण तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार हो गया, जिसमें 9 लोगों की जान चली गई। वहीं बैसा के CEO राजशेखर ने बताया कि हादसे में एक और व्यक्ति के अंदर फंसे होने की सूचना मिल रही है, जिसकी तलाश के लिए गोताखोर को लगाया गया है। इधर हादसे की सूचना मिलते ही बिहार के CM नीतीश कुमार ने दुख जताते हुए अपनी संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने सभी मृतकों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए का अनुग्रह अनुदान आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा दिए जाने की घोषणा की है। रात में 2 बजे की घटना है। रात में 2 बजे ग्रामीण यहाँ से फोन किए कि बड़ा बाबू एक गाड़ी आपको पलटी कर गया, तो मेरा गाड़ी आपको क्षेत्र में निकला हुआ था दुश्मन। कहां से ये लोग आ रहे थे, कहां जा रहे थे? ताराबाड़ी से आ रहे थे, किशनगंज जा रहे थे, उसी में गाड़ी ऐसी पानी के खाई में गिर गया। दो लोग सुरक्षित निकल गया, उसको कहीं खरोच वरोच नहीं। आगे की क्या कार्रवाई की जा रही है? आगे की कार्रवाई की जा रही है कि इसको हम किशनगंज भेजने की कोशिश कर रहे हैं डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए। भागलपुर के जयप्रकाश उद्यान में नगर वन योजना का प्रारंभ केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने किया। इस दौरान मंत्री ने कहा कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य नगर के बीच वैसी एक जगह को तैयार करना है, जहां लोग शांतिपूर्वक बैठकर स्वच्छ पर्यावरण के बीच चैन की सांस ले सके, जबकि वन क्षेत्र होने के कारण स्वास्थ्य की दृष्टि से भी लोग आनंद का अनुभव कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि इस योजना के अंतर्गत बटरफ्लाई गार्डन, फाइकस प्रजाति के पौधा का रोपण और इसके उचित रखरखाव के अलावा औषधीय पौधों की खरीद बिक्री का केंद्र भी खोलने की तैयारी है। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री ने क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक अभय कुमार, वन प्रमंडल पदाधिकारी भारत चिंतापल्ली और प्रोफेसर सुनील चौधरी से पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए वन क्षेत्र और वन्य प्राणियों के लिए कार्य करने की बात कही, जबकि वहां मौजूद DN चौधरी, गंगा प्रहरी, गौरव सिन्हा, आशुतोष कुमार और आनंद शर्मा समेत सभी लोगों से देश और पर्यावरण के हित में सकारात्मक दिशा में कार्य करने की अपील की। बता दें कि भागलपुर के जयप्रकाश उद्यान में शुरू हुआ यह देश का पहला नगर वन है, जो भागलपुर में शुरू हुआ और देश में इस तरह का 1200 नगर वन बनाया जाएगा, जबकि इस पर पहले चरण में 55 लाख की लागत आने की बात कही जा रही है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के 75वें जन्मदिन को लेकर शनिवार को नाथनगर रामानंदी देवी हिंदू अनाथालय में सामाजिक न्याय और सद्भावना दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान अनाथालय में मौजूद बच्चों, गरीब और असहाय को भोजन कराया गया, जबकि भोजन के बाद सभी लोगों ने लालू प्रसाद के स्वस्थ और दीर्घायु होने की मंगल कामना की। वहीं युवा राजद के प्रदेश महासचिव डॉक्टर आनंद आजाद के नेतृत्व में आयोजित जन्मदिन कार्यक्रम में RJD कार्यकर्ताओं ने लालू प्रसाद की तस्वीर के समक्ष केक काटकर सभी समर्थकों और आम लोगों को राजद सुप्रीमो के जन्मदिन की बधाई दी। साथ ही इस दौरान राजद नेताओं ने कहा कि लालू यादव दबे कुचले लोगों के नेता होने के साथ समाज के सभी वर्ग को साथ लेकर चलते हैं। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी सदैव समाज के शोषित, वंचित, पीड़ित तबकों के लिए जो है सो लड़ाई लड़ते रहे, उनके हक के लिए आवाज़ उठाते रहे। आज उनके 75वें जन्मदिवस के अवसर पर हम लोगों ने निर्णय लिया कि क्यों न उसके जन्मदिन को
अनाथालय में आकर के अनाथ बच्चों के बीच में मना करके यादगार दिन बनाए। और आज देश के समक्ष जो परिस्थिति है वो परिस्थितियां चीख चीख कर बतला रही हैं कि आज लालू प्रसाद यादव के विचारों की प्रासंगिकता बढ़ी हुई है, उनके विचारों पर चलने की जरूरत है, तभी इस देश में अमन एवं चैन कायम रह सकता है। इधर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के 75वें जन्मदिन को लेकर कहलगांव और पीरपैंती प्रखंड में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान राजद कार्यकर्ताओं ने केक काटकर एक दूसरे को लालू प्रसाद के जन्मदिन की बधाई देते हुए केक खिलाया और उनकी लंबी उम्र की कामना की। वहीं पीरपैंती के शेरमारी स्थित विभा भवन में राजद कार्यकर्ताओं ने राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव का जन्मदिन केक काटकर मनाया। इस दौरान पूर्व विधायक रामविलास पासवान सहित कई राजद प्रवक्ताओं ने लालू प्रसाद के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनसे प्रेरणा लेने की बात कही। मौके पर जिला परिषद कैलाश यादव, मुखिया रमेश टुड्डू, पैक्स अध्यक्ष प्रभात कुमार समेत राजद के कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पीरपैंती हॉस्पिटल मोड़ स्थित एक निर्माणाधीन मकान में पीरपैंती विधानसभा की बैठक आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता भाजपा दक्षिणी मंडल के अध्यक्ष निशांत कुमार पांडे ने की। बैठक में भागलपुर भाजपा के जिला अध्यक्ष रोहित पांडे और जिला महामंत्री अभिनव कुमार ने भी अपनी बात रखी। इस दौरान मुख्य रूप से भारत सरकार के 8 वर्ष पूरा होने पर सेवा सुशासन एवं गरीब कल्याण सभा के भागलपुर लाजपत पार्क में होने को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। दरअसल केंद्र की मोदी सरकार के 8 साल पूरा होने पर 13 जून को लाजपत पार्क मैदान में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है, जिसकी तैयारी के लिए पीरपैंती विधानसभा से अधिक संख्या में लोगों के शामिल होने पर चर्चा हुई। वही बैठक में पीरपैंती के हर बूथ से 10 लोग के जाने का निर्णय लिया गया। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, भारत सरकार के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, केंद्रीय राज्य मंत्री अश्वनी चौबे, बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी, बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन समेत कई मंत्री और संगठन के पदाधिकारी मंत्री भी शामिल होंगे। मौके पर काफी संख्या में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नवगछिया इकाई की ओर से 6 दिवसीय छात्रा व्यक्तित्व विकास शिविर का उद्घाटन शनिवार को सावित्री पब्लिक स्कूल नवगछिया में किया गया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन मुख्य अतिथि सावित्री पब्लिक स्कूल के निर्देशक राम कुमार साहू, अभाविप की प्रदेश सह मंत्री स्मृति सिंह, नगर उपाध्यक्ष विपुल कुमार, भारतेंदु झा एवं नगर सह मंत्री कोमल राज ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया, जबकि संचालन छात्रा सह प्रमुख अर्चना कुमारी ने किया। इस दौरान प्रदेश सह मंत्री स्मृति सिंह ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र हित एवं राष्ट्र हित में कार्य करने वाला विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है और विद्यार्थी परिषद कई प्रकार के संगठनात्मक एवं रचनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से छात्र छात्राओं का व्यक्तित्व विकास एवं नेतृत्व क्षमता का विकास करती है। साथ ही कहा कि छात्रा व्यक्तित्व विकास शिविर का उद्देश्य छात्राओं को व्यक्तित्व विकास करना और उनके अंदर की प्रतिभा को निखार कर उन्हें जागरूक करना है। धन्यवाद ज्ञापन छात्रा प्रमुख गुलफशा शेख ने किया। मौके पर लवली, ब्यूटी, पूजा, अंजलि, अभिलाषा सहित काफी संख्या में छात्राएं मौजूद थी। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। आपके नजदीकी शहर बौंसी बिहार में एकमात्र फार्मेसी कॉलेज मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, जिसमें आपको मिलेगी स्मार्ट क्लास, स्मार्ट लैब और लाइब्रेरी जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं। अब आप भी डी फार्मा और बी फार्मा जैसे फार्मेसी कोर्स कर एक निश्चित सरकारी या गैर सरकारी संस्था में जॉब पा सकते हैं, साथ ही अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। इतना ही नहीं, बिहार झारखंड एवं केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अपने बच्चों को इंटर के बाद फार्मेसी कोर्स करवाकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका स्वर्णिम भविष्य बनाइए। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर 14 जून को जागरूक युवा समिति की ओर से भागलपुर माइगन अस्पताल ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। वहीं इसको लेकर संस्था के अध्यक्ष मनोज कुमार उपाध्याय ने बताया कि रक्तदान एक पुण्य कार्य है, जिसे सबसे आसान तरीके से किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि रक्तदान करके व्यक्ति कई जरूरतमंद लोगों की जान बचा सकता है। साथ ही कहा कि रक्तदान करने से रक्तदाता को कोई नुकसान नहीं होता है। विश्व रक्तदान दिवस के शुभ अवसर पे 14 जून को मायागंज ब्लड बैंक में एक छोटा सा शिविर लगाया जा रहा है जागरूक युवा समिति की ओर से। आप सभी का वहाँ स्वागत है, आके अपना ब्लड डोनेट करें, उनसे काफ़ी फायदा होती है। जैसे कि ब्लड कैंसर नहीं होता है, हार्ट अटैक नहीं होता है, और भी बहुत प्रकार की ऐसी बीमारियाँ होती है जो कि नहीं होता है।
आप सभी से रिक्वेस्ट है 14 जून को आके अपना कीमती वक्त देके ब्लड डोनेट करके दूसरे का जान बचाएं। भागलपुर के लोदीपुर स्थित गुराटी रोड विशनपुर बाईपास के समीप शनिवार को जेपी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड का उद्घाटन जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिव गोपाल मिश्र ने फीता काट कर किया। इस दौरान जिला जज ने हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर विधान चंद्र यादव को हॉस्पिटल के शुभारंभ की शुभकामना देते हुए कहा कि यह अस्पताल जिले के अलावा आसपास के क्षेत्र से आने वाले लोगों के लिए काफी लाभदायक होगा। वहीं हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर बीसी यादव ने कहा कि जेपी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आईसीयू एनआईसीयू डायलिसिस आईसीसीयू वर्निंग वार्ड इमरजेंसी और नेत्र विभाग के अलावा हर प्रकार की बीमारियों के लिए सुविधा मौजूद है। उन्होंने कहा कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधा और इलाज के लिए अलग अलग विभाग के विशेषज्ञ चिकित्सक अपनी सेवा देंगे, जबकि किसी भी मरीज को बिना वजह अस्पताल में किसी धोखे में नहीं रखा जाएगा और जरूरत पड़ने पर सही परामर्श देकर उचित स्थान पर भेज दिया जाएगा। डॉक्टर विधान चंद्र ने कहा कि भागलपुर में वर्निंग समेत कई तरह की बीमारी के लिए यहाँ विशेष इंतजाम किया गया है, जिसका लाभ लोगों को मिलेगा। मौके पर अस्पताल प्रबंधन के कर्मी और चिकित्सक समेत कई लोग मौजूद रहे। इस हॉस्पिटल को खोलने का और इतना बड़ा बनाने का एक ही सोच है कि यहाँ से कोई भी पेशेंट ट्रांसफर चाहे रेफर होकर के बाहर नहीं। अभी तो हम डिपार्टमेंटल वाइज ओपीडी और आईसीयू हुआ, आईसीसीयू हुआ, एनआईसीयू हुआ, कार्डियक लैब का फाइनल हो चुका है और टोटल डिपार्टमेंट को लेकर मैं चल रहा हूँ। यहाँ तक कि बर्निंग यूनिट जो कि भागलपुर में इस एरिया में कहीं नहीं है, मेरे हॉस्पिटल में वो सुविधा दी जा रही है। हेपेटाइटिस बी के लिए स्पेशल ऑपरेशन थिएटर बनाया जा रहा है। जो भी मरीज आए चाहे जिस कैटेगरी का हो, यहाँ पे इंश्योरेंस सेक्टर से लेकर के गरीब पेशेंट के लिए भी व्यवस्था है। चाहे वो कितना भी पैसा वाला हो, जो फैसिलिटी लेना चाहेगा उसको फैसिलिटी भी मिलेगी। जो मान के चलिए कि कम पैसा है उसको इलाज कराना है तो उसके लिए भी जो जनरल वार्ड हुआ है वो सुविधा मुहैया कराया जाएगा। केंद्रीय ऊर्जा एवं नवीनीकरण मंत्री राजकुमार सिंह ने शनिवार को आरा में विक्रमशिला एक्सप्रेस और अर्चना एक्सप्रेस के ठहराव का शुभारंभ किया। लंबे समय से इस ट्रेनों का ठहराव आरा रेलवे स्टेशन पर करने की मांग की जा रही थी, जो शनिवार को अर्चना एक्सप्रेस और विक्रमशिला एक्सप्रेस के ठहराव के साथ पूरी हो गई, जबकि इस दौरान स्टेशन परिसर में लोगों की काफी चहल पहल देखी गई। वहीं कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री सह आरा के सांसद राजकुमार सिंह ने जनप्रतिनिधियों और वरीय पदाधिकारियों की मौजूदगी में हरी झंडी दिखाकर विक्रमशिला एक्सप्रेस को आरा से रवाना किया। उन्होंने कहा कि वर्षों से इन दोनों ट्रेन के ठहराव को लेकर भोजपुर जिला के लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, जिसके पूरा होने के बाद अब क्षेत्र के लोगों को काफी राहत मिलेगी। इस ट्रेन के ठहराव से भोजपुर जिले के लोगों को काफी सहूलियत होगी। मौके पर रेलवे के कई आला अधिकारी और कर्मी मौजूद रहे। और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पूर्णिया में हुआ दर्दनाक हादसा, पानी भरे गड्ढे में गिरी स्कॉर्पियो, 9 लोगों की मौके पर हुई मौत। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में नगर वन योजना का केंद्रीय राज्य मंत्री ने किया शुभारंभ, कहा स्वच्छ पर्यावरण के बीच सांस ले सकेंगे लोग। पूरे राज्य में उत्साह के साथ राजद कार्यकर्ताओं ने मनाया जेडी सुप्रीमो का 75वां जन्मदिन, केक काटकर दीर्घायु होने की कामना। केंद्र सरकार के 8 वर्ष पूरा होने पर भाजपा की ओर से सेवा सुशासन एवं गरीब कल्याण सभा को लेकर हुई बैठक, तैयारी पर की चर्चा। और एबीपी की ओर से 6 दिवसीय व्यक्तित्व विकास शिविर का हुआ शुभारंभ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।